आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर यूरोप. चैप्टर यूरोप की बिगनिंग जो है दैट इज विद द फोर प्रिंट्स ऑफ फ्रेडरिक सोरियो. बहुत बार मैं इसको रिवाइज करवा चुकी हूँ. फ्रेडरिक सोरियो के फोर प्रिंट्स यू हैव डन सो मेनी टाइम्स. ठीक है, इसमें आपको ईयर लर्न रखना है 1848. डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज मार्चिंग टुवर्ड्स द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेशन. हियर आर्टिस्ट शोड, आर्टिस्ट कौन है यहाँ पे, फ्रेडरिक सोरियो शोड लिबर्टी इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में उसने लिबर्टी को शो किया, फीमेल फिगर. एक हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है उसके स्टैच्यू के, दूसरे हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, एंड बिफोर द स्टैच्यू लाइंग द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस. ये तो सब आप उस प्रिंट को देखोगे तो आपको सारा क्लियर हो जाना है. यहाँ पे याद रखना कौन सी कंट्रीज लीडिंग द प्रोसेशन, तो वो है यूएसए एंड स्विट्जरलैंड. रेस्ट ऑफ द कंट्रीज फॉलोइंग देम. जर्मनी, जर्मनी के फ्लैग के कलर है रेड ब्लैक एंड गोल्ड. एंड साथ में आपको लर्न करना है फ्रॉम द हेवन हु बेस्ड अपॉन द सीन क्राइस्ट एंजल सेंट्स एंड दिस सिंबलाइज फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड अमंगस्ट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. बट इज नेशन स्टेट सबको आता है. यहाँ पे एक चीज लर्न करनी है, हु वाज अर्नेस्ट रेनन. ही वाज, लुक हियर, लेक्चरर इन द सोरबोन यूनिवर्सिटी. अर्नेस्ट रेनन वाज अ लेक्चरर. इट्स गिवन हियर. He was lecturer in Sorbonne University and he was French philosopher. Who was Ernest Renan? He was lecturer in Sorbonne University and he was French philosopher. It's given here. Plebiscite ka meaning aapko aana chahiye. Direct vote by which whole electorate is asked to accept or reject the proposal. Next, on the next page, first is year of the French Revolution, 1789. Then one club of the France, Jacobin Club. Most important political club of France was Jacobin. Next, how French revolutionaries created sense of collective identity. Is topic में से कौन से one mark के questions बन सकते हैं? Which flag was adopted tricolor? Which flag was replaced monarchical? So which language became the main language? French became the main language. What was the main aim of the French revolutionaries? आप कह सकते हो हेल्प द कंट्रीज टू बी गेट फ्रीडम फ्रॉम डेस्पोटिक रूल एंड कैरी विद देम द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट. ये लेके गए थे वो अपने साथ. नेपोलियन के अगेंस्ट भी हुए थे लोग, ऐसा क्यों? क्योंकि उसने टैक्सेस बढ़ाए थे, सेंसरशिप, उसने मीडिया पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी. इम्पोज टैक्सेस ऑन द पीपल एंड ही पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन मीडिया. तो एंड ही फॉलोड फोर्स रिक्रूटमेंट. अगर आपको पूछा जाए, मैं पूछूं, people, some of the people of France were not in the favor of Napoleon because, listen carefully, he put restrictions on media, he, फिर मैं आप बोलूं कि he improved the infrastructure and guild restrictions were removed. तो आप बताओ इसमें से कौन सा मैंने first option. तो इसको ऐसे भी दे सकते हैं, तीनों दे, दो देके, जैसे imposed restrictions on media. ठीक है, एंड ही इंक्रीज टैक्सेशन ऑन द पीपल. साथ में फिर ही रिमूव रिस्ट्रिक्शंस ऑन गिल्ड्स. ट्रेड के ऊपर उसने रिस्ट्रिक्शंस हटाई थी एसोसिएशंस पे. अब मैं बोलूं बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, तो ये थोड़ा सा पढ़ के करना है, इमीडिएट आंसर मत करना. थोड़ा सा उसको पढ़ना कि आपको किस चीज क्या पूछा और क्या आंसर है, ढूंढ के करना. ठीक है, तो इसमें से ये क्वेश्चन बन सकते हैं. नेक्स्ट इज कंट्रीज, सिटीज, कहाँ कहाँ फ्रेंच आर्मी गई थी. कंट्रीज हैं बेल्जियम, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, लेटर इटली. सिटीज हैं मेंज, मिलान एंड वर्सा. ब्रुसेल्स कैपिटल ऑफ बेल्जियम. तो यहाँ पे ये दिया हुआ है. नेक्स्ट यहाँ पे एक कवर है अल्मैनिक, जर्मन अल्मैनिक डिजाइन. हु डिजाइंड जर्मन अल्मैनिक? अल्मैनिक होता है रिचुअल कैलेंडर. हु डिजाइंड? तो जर्नलिस्ट का नाम है एंड्रियस रेबमैन. एंड्रियस रेबमैन डिजाइंड इट इन 1798. हु डिजाइंड द जर्मन अल्मैनिक? एंड्रियस रेबमैन इन 1798. क्योंकि बोर्ड ने सिर्फ एक चैप्टर रखा है टर्म में, वो कुछ भी देंगे. 1798, ठीक है, एंड्रियस रेबमैन. अब इसमें आपको लर्न करना है कि इसमें कैसल जो है ना, दैट वाज द जर्मन प्रोविंस. कैसल जर्मन प्रोविंस था एंड डेस्पोटिक रूल इन जर्मन प्रोविंस. कैसल, कैसल में डेस्पोटिक रूल था.
तो पीपल मस्ट सीज देअर ओन फ्रीडम, ये यहाँ पे उन्होंने स्लोगन दिया था, पीपल मस्ट सीज देअर ओन फ्रीडम। इस टाउन के लोग डेस्पोटिक रूल के अंडर थे, कैसल जर्मन का एक टाउन कैसल, दैट देयर वाज डेस्पोटिक रूल, क्योंकि जर्मनी आपको भी पता है दैट डिवाइडेड इनटू सो मेनी स्टेट्स, तो कैसल में डेस्पोटिक रूल था एंड लोगों ने यहाँ पे स्लोगन दिया था पीपल मस्ट सीज देअर ओन फ्रीडम। अब रेबमैन जो था ना लिव्ड इन द सिटी ऑफ मेन्स, अभी मैंने सिटीज नहीं बोली थी, फ्रेंच आर्मी मूव टू द सिटीज ऑफ मेन्स, मिलान, वर्सा, ब्रसल्स। मेन्स में कौन रहता था? रेबमैन, एंड ही वाज द मेंबर ऑफ द जर्मन जैकोबिन क्लब। इट मीन्स जर्मनी में भी जैकोबिन क्लब बना था, फ्रांस का तो था ही था, जर्मनी में भी बना, एंड रेबमैन वाज द मेंबर ऑफ जर्मन जैकोबिन क्लब। रेबमैन वाज द मेंबर ऑफ, मैं पूछू, अब आपने यहाँ पे कंफ्यूज हो जाना है, रेबमैन वाज द मेंबर ऑफ फ्रेंच जैकोबिन क्लब, जर्मन जैकोबिन क्लब, ऑस्ट्रियन जैकोबिन क्लब। अब एक मिनट, बच्चे ने कहना है कहीं पे और तो बने ही नहीं जैकोबिन क्लब, वो तो फ्रांस में ही बना, तो आपने फ्रांस को ऑप्शन को पिक कर देना, जबकि यहाँ पे है जर्मन जैकोबिन क्लब। प्लीज लर्न, रेबमैन वाज द मेंबर ऑफ जर्मन जैकोबिन क्लब। मैं यहाँ से बोल रही हूँ जो घर पे भी बैठे हैं, लुक हियर, दीज आर द, ये जो आपको पिक्स दी हुई है ना, इमेजेस दिए हुए हैं, उनके नीचे देखो। तो इसके बाद नेक्स्ट इज नेपोलियनिक कोड है, कोड में से आपको आप कर लोगे 1804 में आए, अगर आपको फोर थ्री कोड्स करेक्ट देके एक गलत दिया हुआ तो यू कैन सेलेक्ट, क्योंकि आपको कोड्स अच्छी तरह से आते हैं, ठीक है, कोड में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हु इशूड सिविल कोड नेपोलियन, सिविल कोड्स का पूछ लिया, तो इन विच ईयर नेपोलियन बिकेम द रूलर ऑफ फ्रांस, 1804। नेपोलियन रूलर बनने से पहले क्या था? मिलिट्री डिक्टेटर ऑफ फ्रांस। क्या वो बोर्बन डायनेस्टी को बिलोंग करता था? नो, ही वाज आउटसाइडर। तो इस वे से आपको यहाँ पे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। नेपोलियनिक कोड, नेपोलियन ने क्या इंट्रोड्यूस की थी? मोनार्की एंड स्लेव ट्रेड, ये दोनों चीजें उसने इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और देखो, यहाँ पे प्लांटिंग ऑफ ट्री, प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी, प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन ज्यूब्रिकन, ये जर्मनी की ही आपको सिटी है ज्यूब्रिकन, जर्मन के एक टाउन है ज्यूब्रिकन। यहाँ पे क्या प्लांट कर रहे हैं? ट्री ऑफ लिबर्टी, ट्री ऑफ लिबर्टी। अब फ्रेंच आर्मी जो है ना, फ्रेंच सोल्जर्स के उन्होंने यूनिफॉर्म के कलर बताए हुए हैं, कलर का उनकी यूनिफॉर्म का कलर है ब्लू व्हाइट एंड रेड, रेकोगनाइज बाय ब्लू व्हाइट एंड रेड यूनिफॉर्म पहनी हुई है किन्होंने? फ्रेंच सोल्जर्स ने। और क्या प्लांट कर रहे हैं? विच ट्री दे आर प्लांटिंग? ट्री ऑफ लिबर्टी। मैं पूछू, पीपल ट्री, मैंगो ट्री, लिबर्टी ट्री? ट्री ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी का ट्री प्लांट कर रहे हैं यहाँ पे। अब फ्रेंच आर्मी की ड्रेस बताई हुई है, यूनिफॉर्म के कलर बताए हुए हैं, ब्लू व्हाइट एंड रेड कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। और ये जो पेंटिंग है किसने बनाई? इट्स रिटन हियर कार्ल कैस्पर, कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज, नेम ऑफ द पेंटर जिसने ये पेंटिंग बनाई, कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज। क्या शो किया उसने? कि लोग जो है वो क्या प्लांट कर रहे हैं? ट्री ऑफ लिबर्टी। फ्रेंच आर्मी की यूनिफॉर्म का कलर क्या है? रेड व्हाइट एंड ब्लू। अब ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे जो पीजेंट थे ना, उनके साथ इनजस्टिस हुआ था, वुमेन की इंसल्ट की गई थी, वुमेन वर हरास्ट, वुमेन की ब्रिकन में वुमेन वर हरास्ट, एंड यहाँ पे पीजेंट्स की इंसल्ट की थी, दे वर फोर्स टू, उनको पीजेंट्स को कहा गया था डाउन टू हिज नीज। वहां पे आप कहोगे ज्यूब्रिकन में डेस्पोटिक रूल था, तो पीजेंट्स को कहा गया था कि जो वहां का रूलर था तो उसके पैरों में गिर के माफी मांगो, एंड वुमेन को भी हरास किया गया था। तो इस वजह से आपको तो पहले ही किया कि फ्रेंच आर्मी मूव टू अदर कंट्रीज टू हेल्प द कंट्रीज टू गेट फ्रीडम फ्रॉम डेस्पोटिक रूल, तो यहाँ पे फ्रेंच आर्मी उनकी हेल्प कर रही है, फ्रेंच आर्मी की यूनिफॉर्म के कलर बताए हुए हैं, इस डेस्पोटिक रूल से फ्रीडम दिलवा रही है उनको। अब यहाँ पे उन्होंने कौन सा स्लोगन दिया? टेक फ्रीडम एंड इक्वालिटी फ्रॉम अस, मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी, टेक फ्रीडम एंड इक्वालिटी फ्रॉम अस, द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये यहाँ पे उन्होंने स्लोगन दिया था, यहाँ पे ज्यूब्रिकन में डेस्पोटिक रूल था, लोगों को पीजेंट्स की इंसल्ट की गई थी, वुमेन को हरास किया गया था, फ्रेंच आर्मी ने लोगों की हेल्प की, और एक स्लोगन दिया
उन्होंने वहां पे एक स्लोगन दिया, कौन सा स्लोगन? टेक फ्रीडम एंड इक्वालिटी फ्रॉम अस द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये ट्री के बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको, कौन सा ट्री प्लांट किया जा रहा है, कौन कर रहे हैं, ज़ुब्रिकन में क्या हुआ, ज़ुब्रिकन कहाँ की टाउन है जर्मनी का। फिर आपको ये पूछा जा सकता है फ्रेंच आर्मी ने इसमें कौन से कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। यहाँ से तो देख के पता नहीं चलना, अगर पिक वो पेपर में देते हैं तो आपको तो पता ही चलना, अगर आपने ये पढ़ा होगा यू कैन गिव आंसर। रेड व्हाइट एंड ब्लू, रेड व्हाइट एंड, अगर ये पढ़ा होएगा देन यू कैन गिव आंसर। पिक तो वो दे देते होते हैं, कई बार पिक दे के क्वेश्चन पूछ लेते होते हैं, पर ये पिक से आप आंसर थोड़ा दे पाओगे। तो इसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट। हाँ ये एक और है, कोरियर। कोरियर ऑफ राइनलैंड लॉसेस ऑल द ही हैज ऑन हिज वे होम फ्रॉम लिप्ज़िग। यहाँ पे कोरियर जो है ना वो नेपोलियन को शो किया हुआ। ये पूछ सकते हैं कोरियर किसको डिपेक्ट किया कर रहा है, नेपोलियन को। ये कोरियर किसको डिपेक्ट कर रहा है, नेपोलियन। क्यों ऐसा कर रहा है? नेपोलियन हैज हियर इज रिप्रेजेंटेड एज अ पोस्टमैन। नेपोलियन को क्या शो किया हुआ है इस पिक में? पोस्टमैन, पोस्टमैन शो किया हुआ है नेपोलियन को ऑन हिज वे बैक टू फ्रेंच आफ्टर द लॉस्ट ऑफ द बैटल ऑफ लिप्ज़िग इन 1813। अब देखो दो क्वेश्चन बन गए। नेपोलियन ये पिक देखे पूछा जा सकता है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये नेपोलियन। नेपोलियन क्या है इसमें? पोस्टमैन है। इस पिक में नेपोलियन क्या है? पोस्टमैन है। और इससे ये भी पूछा जा सकता है कि नेपोलियन ये क्या डिपेक्ट कर रहा है, ये वाला पोस्टमैन वापस जा रहा है हार के बाद। कहाँ पे हारा? लिप्ज़िग की वार में। कौन से ईयर में लिप्ज़िग की वार हुई? 1813। 1813 में लिप्ज़िग की वार हुई, उसमें नेपोलियन हारा, वापस जा रहा है फ्रांस हारने के बाद। ठीक है, जब वो हार गया बैटल ऑफ लिप्ज़िग में हारा, देन ही वाज मूविंग बैक टू हिज कंट्री, फ्रांस वापस जा रहा है। तो उसके आपको पूछा जा सकता है लिप्ज़िग की बैटल कब हुई? 1813, बिकॉज इट्स गिवन हियर। 1813 में कौन सी बैटल हुई? लिप्ज़िग, याद रहेगा। नेपोलियन ये किसको डिपेक्ट कर रहा है? कोरियर, नेपोलियन। नेपोलियन इसमें किस रूप में दिखाया? पोस्टमैन। ठीक है, तो इस वे से आप याद करोगे लिप्ज़िग की बैटल में नेपोलियन गॉट डिफीटेड इन 1813। ठीक है, तो ये इस वे से आप इसको करोगे। नेक्स्ट, इधर हैब्सबर्ग एम्पायर वाज पैचवर्क ऑफ नंबर ऑफ रीजन। सबको आता है क्योंकि आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं बोलती हूँ। यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन आपने लर्न करना है, इन विच ईयर नेपोलियन इन्वेडेड इटली, क्योंकि ये बुक में कहीं पे भी नहीं है, इट्स ओनली गिवन हियर 1797, बस। बाकी सारा आपने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे हैब्सबर्ग एम्पायर, पहले तो पोलिटिकल डिविजन ऑफ आपको पूछा जा सकता है इटली की पोलिटिकल डिविजन, डचेस, स्विट्जरलैंड की कैंटन्स, जर्मनी की किंगडम, ये पूछी जा सकते हैं किंगडम्स। ठीक है, पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इटली बताओ, पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ स्विट्जरलैंड बताओ, पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ जर्मनी बताओ, बिकॉज दे आर गिवन, जो दिया हुआ है वो पूछ सकते हैं। हैब्सबर्ग एम्पायर रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। हैब्सबर्ग एम्पायर रूल्ड ओवर अल्पाइन रीजन के बारे में पूछ सकते हैं, द टायरोल, ऑस्ट्रिया एंड सुडेटनलैंड एज वेल एज बोहिमिया। आपको ये ग्रुप में दे के पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्पाइन रीजन्स, अल्पाइन रीजन्स देख के ये वाली करेक्ट ऑप्शन चारों देख के, साथ में चार ऑप्शन ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया साथ में हुआ, तो कौन सी करेक्ट हो जानी है? टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटनलैंड एज वेल एज बोहिमिया। अब सेकंड ऑप्शन में मैं बोलूँ टायरोल, सुडेटनलैंड, फिर मैं बोलूँ ब्रिटेन, जर्मनी, टायरोल, तो मैंने दोनों में बोल दिया। आपको पूरा पढ़ना है फिर वो कंट्रीज, ये कंफ्यूजन के लिए ऐसे क्वेश्चन आने हैं। टायरोल, सुडेटनलैंड मैंने दोनों में बोला है, एक कंट्री बीच में मैंने गलत कर दी, मैंने जर्मनी बोल दी, तो आपको पढ़ना है वहां पे कि आप ये टायरोल देख के मत कर देना, टायरोल तो चारों में हो सकता है। आप ये देखना कि चारों कंट्रीज कहाँ पे मैच हो रही हैं, आपको चार कंट्रीज पता होनी चाहिए, नहीं तो एक हर एक में गलत दे के आपसे पूछ लेना उन्होंने, विच इज करेक्ट। कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन हैं, टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटनलैंड एज वेल एज बोहिमिया, लर्न इट। ये चार कंट्रीज पता होंगी ना, चाहे वो जितना मर्जी आपको कंफ्यूज कर दें, यू कैन सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इधर आपसे ये भी पूछ सकते हैं, हंगरी के लोग जो थे, विच लैंग्वेज वाज स्पोकन बाय द पीपल ऑफ हंगरी? मैग्यार, विच लैंग्वेज? मैग्यार। गलीशिया के लोग जो थे, रिच पीपल इन गलीशिया स्पोक पोलिश। रिच पीपल इन गलीशिया, अरिस्टोक्रेट्स मीन्स रिच, रिच पीपल इन गलीशिया स्पीक पोलिश। हंगरी में मैग्यार,
हंगरी में, मैं पूछू मैग्यार लैंग्वेज है कि टाउन है, तो बच्चा टाउन ही ना करके आ जाए, तो इस वे से। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको लर्न करना है, एरिस्टोक्रेट्स एंड न्यू मिडिल क्लास, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न यूरोप आपको लर्न करना है। आप इतना याद रखो कि ईस्टर्न यूरोप में बड़े बड़े प्लांटेशंस थे, ठीक है, ईस्टर्न यूरोप में बहुत बड़े बड़े बिग प्लांटेशंस थे, एंड लैंड वाज कल्टीवेटेड बाय सर्ब्स, सर्ब्स थे वहां पे, ठीक है। वेयर एज इन वेस्टर्न यूरोप वहां पे स्मॉल लैंड थी, वहां पे छोटे छोटे प्लॉट्स थे, छोटे छोटे फील्ड्स थे, एंड लैंड वाज कल्टीवेटेड बाय टेनेंट्स या फिर स्मॉल लैंड ऑनर्स जो होते थे, बस वही होते थे। ईस्टर्न यूरोप आपने याद रखना है बिग प्लांटेशंस, एंड लैंड वाज कल्टीवेटेड बाय सर्ब्स। तो ये क्वेश्चन आपका इसमें से बन सकता है, इज इट क्लियर। नेक्स्ट, अब आ गया मिडिल क्लास। मिडिल क्लास सबको ही पता है कि एजुकेटेड पीपल वर्क इन इंडस्ट्रीज एंड अवेयर अबाउट देयर राइट्स, डिमांड फॉर देयर राइट्स, ये तो पता ही है सबको। यहाँ पे सफरेज का मीनिंग, सफरेज मीन्स राइट टू वोट। अब मैं पूछू सफरेज मीन्स, मैं यहाँ पे पूछू राइट टू वोट, इधर मैं कहूँ सफरेज मीन्स राइट टू वोट ओनली टू मेल, राइट टू वोट टू ऑल द पीपल मे बी मेल और फीमेल, नो विच ऑप्शन इज करेक्ट, बताना। सफरेज पूछा मैंने, मैंने साथ में यूनिवर्सल नहीं लगाया, राइट टू वोट ओनली टू मैन, क्योंकि ऐसे ही होता था ना फ्रांस में अर्लियर, राइट्स वर गिवन ओनली टू, राइट टू वोट वाज गिवन ओनली टू मेल। वुमेन ऑफ फ्रांस स्ट्रगल्ड फॉर अबाउट 200 इयर्स, उनको तो जाके 1946 में राइट टू वोट मिला, वेयर एज मेन इन फ्रांस गॉट राइट टू वोट इन 1791। कितना गैप डाल के वुमेन को राइट टू वोट दिया गया। तो इट मीन्स सफरेज यूनिवर्सल नहीं है, हम अपना कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, याद है ना, तो सबको राइट टू वोट है, मे बी मेल और फीमेल। तो ये सफरेज में आपने इस वे से इसको सिलेक्ट कर लेना। और टोपियन का मीनिंग पूछ लिया जाए तो आप क्या कहोगे, विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट नेवर एग्जिस्ट। किसने ऐसा सपना देखा था, फ्रेडरिक सोरियो ने, कैसा वर्ल्ड देखा था सपने में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कैसा, विजुलाइजिंग द वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देखा था उसने फ्रांस को, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब यहाँ पे एक इकोनॉमिस्ट का नेम है क्योंकि जोलब्रेन टॉपिक है, तो जोलब्रेन वैसे तो सबको पता है कि पास विद द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया इन 1834। अब यहाँ पे एक इकोनॉमिस्ट का नाम है और ये इकोनॉमिस्ट है फ्राइडरिच रिच, फ्राइडरिच लिस्ट, ये प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स का यूनिवर्सिटी ऑफ तुबिंगन इन जर्मनी, यूनिवर्सिटी ऑफ तुबिंगन इन जर्मनी। हु वाज फ्राइडरिच लिस्ट, इकोनॉमिस्ट या प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, कौन सी यूनिवर्सिटी में, तुबिंगन इन जर्मनी। नेक्स्ट, अब जोलब्रिन जो था ये था क्या, कस्टम यूनियन। 1833 में हाउ मेनी कस्टम बैरियर्स वर देयर, 11। हाउ मच परसेंट कस्टम ड्यूटी ट्रेडर्स हैड टू पे, 5%। With the coming of a home for the measurement of cloth, what was taken? Ile. Number of centimeters in ile were same or not same? फिर आप कहोगे कि with the coming of Zollverein, number of crunches remained. Earlier it was 330, and with the coming of Zollverein it remained only. Custom barriers क्या हुए? Introduced हुए कि abolished हुए with the coming of With the coming of Zollverein, custom barriers were abolished and number of currencies remained 2 from 3, 0, 30। तो ये आपको फ्राइडरिच लिस्ट वाले में से लर्न करना है, आपको इसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, फ्राइडरिच लिस्ट, जैसे अर्नेस्ट रेनन मैंने लर्न कराया फ्राइडरिच लिस्ट। नेक्स्ट इज कंजर्वेटिव्स, स्ट्रिक्ट पीपल बिलीव्ड इन द पावर्स ऑफ द चर्च, wanted to give respect to past institutions. In those days there was liberalism or conservatism in Europe? Conservatism in Europe. Europe में क्या चल रहा था? During Treaty of Vienna there was conservatism in Europe. अब Treaty of Vienna was signed in which year? Vienna is the capital of Austria. Who was the host of Austria? Who was the host of Treaty of Vienna? ड्यूक मेटरनिच,
ड्यूक मेटरनिच वाज लिबरल और कंजर्वेटिव और रेवोल्यूशनरी कंजर्वेटिव conservatives wanted to bring changes but believed in quick or slow changes very slow changes mein believe karte the conservatives so duke metternich jo tha he was conservative and he was host of the treaty of vienna he was austrian chancellor just like prime minister ab is mein se treaty of vienna mein se jo question bante hain pehle to kaun si countries ne treaty of vienna sign ki ek minute agar aapko charo aati hai then it's good austria britain russia and बाकी तीन ऑप्शन में मैं तीन ठीक बोल के गलत बोल जाऊंगी आपको पता ही नहीं चलना ऑस्ट्रिया ब्रिटेन रशिया एंड लिसन केयरफुली ऑस्ट्रिया ब्रिटेन रशिया एंड मैं बोलूं पर्शिया मैंने प्रशिया नहीं बोला मैंने पर्शिया बोल दिया अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज हो जाना मैंने पर्शिया बोला देखो प्रशिया को एक पर्शिया कंट्री भी तो है पीई आर ऐसा ही है पता है ना मैं पर्शिया बोल रही हूँ बताओ आपने कंफ्यूज नहीं होना वहां पे आपने अपने स्पेलिंग चेक करने हैं प्रशिया लिखा हुआ है ऑस्ट्रिया को ऑस्ट्रेलिया लिख देना फिर वो ऑस्ट्रिया अलग कंट्री है ऑस्ट्रेलिया अलग है फिर आपने पहचानने में गड़बड़ कर देनी है बिल्कुल आंखें खोल के अपने ऑप्शंस को पढ़ना है समझ आई ऑस्ट्रिया ब्रिटेन रशिया एंड प्रशिया दूसरी ऑप्शन में मैं बोल रही हूँ ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन रशिया एंड प्रशिया अब मैंने सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया गलत बोला है फिर तीसरी ऑप्शन में मैं बोल रही हूँ ऑस्ट्रिया ब्रिटेन रशिया एंड पर्शिया अब पर्शिया बोला मैंने इट मीन्स कौन सी ऑप्शन करेक्ट बोली थी मैंने फर्स्ट ही करेक्ट बोली थी तो मैं फर्स्ट को एंड में भी तो लेके जा सकती हूँ आपने पर्शिया पढ़ के ही नहीं पूछो है ना कि ये वाली ऑप्शन करेक्ट है पर्शिया है ही नहीं है प्रशिया है ऑस्ट्रेलिया थोड़ा है ऑस्ट्रिया तो इस वजह से पहचानना है वहां पे नेक्स्ट इसके बाद ये भी तो पूछ सकते हैं कि ड्यूरिंग ट्रीटी ऑफ वियना पोलैंड वॉज गिवन टू पोलैंड किसे दिया था नॉर्थ इटली ऑस्ट्रिया सेक्सनी प्रशिया सेक्सनी वाज गिवन टू प्रशिया अब ये इस वे से लर्न रखना ठीक है जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी स्टेट्स 39 स्टेट्स नेक्स्ट ये सारा ट्रीटी हो गया ना किसने कहा था ड्यूक किसने कहा था मेजनी एज अस ग्रेटेस्ट एनिमी ड्यूक मेटरनिच ने मींस किसको अपना ग्रेटेस्ट एनिमी माना था मेजनी को Who was Mazzini? Italian revolutionary. He was Italian. Duke Metternich was conservative, whereas Mazzini was Italian revolutionary. वो revolutionary है, वो conservative है. अब देखो इसमें से कितने questions बन जाने हैं revolutionary में से कि आपको पहले तो ये पता होना चाहिए Mazzini का birth कब हुआ? 1807. कहाँ पे हुआ? Genoa में. अब Mazzini was member of which secret society? Carbonari. मेजनी ने किस रिवोल्ट में पार्ट लिया था लिगुरिया किस रिवोल्ट में पार्ट लिया और कौन से ईयर में मेजनी को ही वाज सेंट टू एन एग्जाइल 1824 तो मेजनी की टू सीक्रेट सोसाइटीज यंग इटली एंड यंग यूरोप किस सिटी में सेटअप की बर्ने यंग इटली इन मर्सेल्स तो लर्न द टू सीक्रेट सोसाइटीज सेटअप बाय मेजनी Who was Gossip Mazzini? Italian revolutionary. उसकी two secret societies का भी पता ना चाहिए मैं पूछूं Marseilles was set up in. अब मैं तीन options बोल दूं. Main Milan and साथ में बोलूं कि Main Milan, Warsaw and एक हमने बोला Marseilles और एक Young Italy in Marseilles. मैं बोलूं Young Italy was set up in Main Milan, Marseilles and Warsaw. Marseilles. Young मैं पूछूं Young Europe was set up in एक मिनट सुन लो Young Europe was set up in Main Milan Brussels and Berlin तो इस वे से आपको आने चाहिए उनकी सिटीज भी पता होनी चाहिए नेक्स्ट इज इसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट एक और कैरिकेचर दिया हुआ है इसको भी एक बार आप जरूर देख लेना रेवोल्यूशनरीज Gossip Mazzini Founding Young Europe in Berlin 1833. अब पूछ सकते हैं because year is given here, तो आपको not in this paragraph year is not given, but here they have given the year. Young आपको पूछ सकते हैं Young Europe किस year में set up हुई? आपने कहा ना हमने तो पढ़ा ही नहीं, but it's given here. Young Europe was set up in 1833. Young Europe उसने कौन से year में set up की? Young Europe in Berlin was set up in
1833, तो इस वे से आपने इसको सारा पढ़ना है। अभी आज इतना ही करते हैं, बाकी आप